Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, और बिहार में विधानसभा जब चुनाव नजदीक है तो हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, मुद्दों को लेकर, अपने विकास के कार्यों को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रही है, ताकि लोगों को अपने पक्ष में वोट करवाने में सफल हो जाए। तो अगर हम बात करें तो बिहार में खास करके दो पार्टियों से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई है, और यही दो पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में अस्तित्व में रहती है, और उन्हीं दो पार्टियों के बीच में ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव है इन्हीं दो पार्टियों के बीच में होने वाला है। और वो दो पार्टी की अगर हम बात करें तो दो दल हैं जिनका नाम है महागठबंधन, और एक जो दल है वो है NDA। तो आप सभी को पता है कि NDA में चार पार्टियां हो गई है, और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में भी चार पार्टियां हो गई है। शुरुआत करते हैं NDA से। तो NDA में आप सभी को पता है कि नीतीश कुमार सबसे बड़े पार्टी के तौर पर NDA में शामिल है, यानी कि उनकी जो पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड है। वही अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जो कि वहां पर अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव आई थिंक लड़ा जाएगा, और जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वैसे अगर हम बात करें दूसरे पार्टी की तो वो है लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें कि अध्यक्ष के तौर पर चिराग पासवान काम करेंगे और युवाओं के बीच अपने संदेश को लेकर जाएंगे। वहीं एक और नया पार्टी शामिल हुई है NDA में, तो वो नाम है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा का, यानी कि जीताराम मांझी को लेकर। तो ये हो गया NDA का पार्ट। अगर हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में RJD जो है पूरे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि उनके बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक हैं। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, जिसका नेतृत्व फिलहाल उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। वही अगर हम दूसरी पार्टी की बात करें तो वो है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में दूसरे नंबर की औकात रखने वाली पार्टी है। अगर उनके हम अलायंस की और बात करें तो RLSP के जो प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं उनकी भी पार्टी महागठबंधन में शामिल है। वहीं मुकेश साहनी की पार्टी यानी कि VIP भी जो है वो महागठबंधन में शामिल है। लेकिन महागठबंधन में ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि CPI और CPML जो है वो भी शामिल हो सकता है। लेकिन आपने एक बात गौर किया होगा कि बिहार में निर्वाचन आयोग ने यह संदेश दे दिया है कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पार्टियां जो है अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाई है कि हमें कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, या फिर हमारे दल के साथ जो भी पार्टियां हैं वो कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर लोगों के मन में ये डाउट है कि आखिरकार ये पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये पार्टी कहां कहां से चुनाव लड़ेगी, ताकि उनके साथ जो जुड़े लोग हैं, जो लोग आस लगाए हुए हैं कि हमें विधायकी का टिकट मिल जाएगा, उनको सही तरीके से ये बता दिया जाए कि आपका टिकट कन्फर्म है, और उसको तैयारी के लिए लोगों के बीच जाना शुरू कर दें। अगर हम बात करें NDA की तो NDA में लगातार जिस तरीके से चिराग पासवान, नीतीश कुमार पर निशाना साधते आ रहे हैं, तो वहीं जीताराम मांझी के एंट्री के बाद चिराग पासवान को बायकॉट करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक बड़ा पोस्टर पे चिराग पासवान के फोटो तक नहीं चिपकाए। हालांकि बात करें तो जीताराम मांझी, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हुई थी। तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं NDA में सब कुछ सही नहीं है, और NDA में सब कुछ जब सही नहीं है तो सीटों का बंटवारा इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, जिसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में NDA को पड़ सकता है। क्योंकि आपस में ही जब लड़ाई है तो बिहार विधानसभा चुनाव के लोगों के बीच, वोटरों के बीच आपकी छवि क्या बनेगी। वैसे ही अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, और महागठबंधन में क्लियर नहीं था इसीलिए जीताराम मांझी जो है महागठबंधन को छोड़कर NDA में शामिल हो गए। और महागठबंधन में भी लगातार जिस तरीके से VIP के जो सुप्रीमो मुकेश साहनी है वो ये कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन वहीं उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें
कोई दिक्कत नहीं, बलि देनी हो तो हम बलि दे देंगे। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की तरफ से कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं है जिसके माध्यम से लोगों के बीच में ये खुलेआम संदेश दिया जा सके कि ये जो पार्टियां हैं इन इन जगहों से चुनाव लड़ेगी, इतने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ताकि बिहार के जो वोटर हैं, जो बिहार के वॉलंटियर हैं, वो कहीं ना कहीं एक माइंड सेटअप कर सकें कि बिहार विधानसभा चुनाव में किसको जीत दिलानी है। आपके अंदर क्या विचार आता है बिहार विधानसभा चुनाव के अलायंस पार्टियों को लेकर? क्या अलायंस पार्टियां जस की तस हैं, वैसे ही बनी रहेगी, या फिर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये और भी असरदार होता जाएगा और इसका असर उन एनडीए और महागठबंधन की पार्टियों पर पड़ सकता है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इन अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं और किन अलायंस को कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।